एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे, उसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम पॉलीनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीनोमियल्स। तो देखते हैं, पहले हम ये जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि पॉलीनोमियल्स। पहले ये जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। पद का मतलब होता है टर्म, टर्म जिसे जिसमें बहुत से टर्म आए उसे हम बहुपद कहते हैं। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 + x + y। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, एक ये है, दूसरा है और तीसरा है। तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा। अब देखिए और एक चीज़ है, भाग में और गुणे में बहुपद नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए 3 / x है। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, देखने में तो लग रहा है कि 2 पद हैं, लेकिन है ये 1 पद। तो देखते हैं, 3 को हम x से भाग देंगे, 3 / x, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पद है ना, 2 पद नहीं है ना, 3/x, तो ये 1 पद होगा। अब गुणे का हम देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए 3 × x × y × z। अब देखिए देखने में हमको कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, लेकिन ये कितने हैं, 1 पद हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × x / y / z, तो ये कितने पद हो गए, 1 पद हो गए। क्या है, भाग और गुणे में हमेशा एक ही पद होते हैं, बहुपद किस में आते हैं, प्लस में और माइनस में आते हैं। और ये तो हो गई बहुपद। अब देखते हैं, इसमें एक घात होती है, 2 घात होती हैं और त्रिघातीय होती हैं। तो देखते हैं, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, फिर द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, फिर 3 घातीय, 3 घातीय बहुपद। अब देखिए एक घातीय बहुपद, तो एक घातीय बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, उसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसमें कितनी घातें हैं, 1 है और 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 घातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद का देखते हैं, मान लीजिए कोई समीकरण है 2x² + 3x + 1, तो ये क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, तो ये आपका द्विघातीय बहुपद हो गया, घात 2 है ना। फिर 3 घातीय का देखते हैं, तो 2x³ + 4x² + 3x + 1, तो ये आपका क्या हो गया, 3 घातीय बहुपद हो गया। यहाँ पे देखिए घात 3 है ना, तो ये आपका 3 घातीय बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हम जानते हैं कि जब एक घातीय बहुपद होगा तो इसमें एक मूल होंगे, एक मूल, या इसी को हम शून्य भी कहते हैं, शून्य। और यहाँ पे द्विघातीय में देखिए, यहाँ पे 2 मूल होंगे, द्विघातीय में 2 मूल होंगे या शून्य होंगे, तो ये जानते हैं हम। अब देखिए नई चीज क्या आ रही है, शून्य आ रही है, तो शून्य किसे कहते हैं, जिसका मान इस समीकरण में रखने पर पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए उसे हम मूल या शून्य कहते हैं। अब देखिए 3 घातीय में देखते हैं, यहाँ पे 3 घातीय है ना, ये 3 घातीय बहुपद है, तो यहाँ पे 3 मूल होंगे, 3 मूल या शून्य।
इतनी चीजें तो आई होंगी अच्छे से समझ में कि हम बहुपद किसे कहते हैं और एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, द्वि घातीय किसे कहते हैं, तीन घातीय और मूल किसे कहते हैं। इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। फिर हम एक्सरसाइज अब देखते हैं। एक्सरसाइज है 2.1। पहला क्वेश्चन है किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं y इक्वल टू पी एक्स है, y इक्वल टू पी एक्स, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। पी का मतलब पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स, यानी कि बहुपद का x है। अब देखिए पहले पार्ट में दिया है ग्राफ में x अक्ष है और y अक्ष है, ये x और x डैश है और ये y डैश है, ये आपका मूल बिंदु है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन है आपका y इक्वल टू पी एक्स, y इक्वल टू पी एक्स। तो इसको बताना है कि इसमें कितने शून्यकों की संख्या है। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए x को क्या ये लाइन काट रही है, नहीं काट रही है। तो यहाँ पे आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जीरो है। फिर दूसरा पार्ट हम देखेंगे, दूसरा पार्ट है x अक्ष है और y डैश है। तो ये कितनी बार कट कर रहा है, ये रेखा दो बार, एक बार कट कर रही है x अक्ष को, कितनी बार, एक बार x अक्ष को कट कर रही है। तो ये है इसका समीकरण y इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पे बताना है कितने शून्य है। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या इक्वल टू एक हो जाएगी। अब देखिए कैसे एक होगी, हाँ तो यहाँ पे हम अलग से समझते हैं, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स और एक्स डैश। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ नीचे आएंगे तो -1 होगा, -2, -3 और -4, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है और ये y अक्ष है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब देखिए x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। और ये आप, यही आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही तो है इसमें, तो ये शून्य रेखा को कितनी बार टच कर रही है, एक ही बार तो टच कर रही है। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ तो हम लिखे हैं, शून्यकों की संख्या एक होगी। फिर हम तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट है x अक्ष है और x x डैश है, y y डैश है। तो यहाँ पे ये रेखा ऐसे बना है, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे। अब देखिए यहाँ पे x रेखा को कितनी बार टच कर रही है, 1, 2, 3 बार टच कर रही है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी, 3 होगी। फिर अगला पार्ट हम देखेंगे, एक्स 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 डैश, वाई वाई डैश। तो ये कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार रेखा टच कर रही है, ऐसे है। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 बार ये रेखा टच कर रही है ना।
तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या दो हो जाएंगी। फिर अगला पार्ट देखेंगे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यहाँ पे ऐसे और ऐसे ऐसे ना। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, एक दो तीन चार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या चार है, चार बार कट कर रही है रेखा को। फिर अगला देखेंगे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यहाँ पे है ये ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे है। अब देखिए ये कितनी बार टच कर रही है रेखा, एक बार टच कर रही है, एक। और ये यहाँ से ऐसे है, एक दो तीन। तो तीन बार टच कर रही है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो।